नमस्कार, चरहट के हिंदी में आप सभी के एक बार फिर से स्वागत है। आज है 16 अगस्त दिना शुक्रवार का। आइए जान लेते हैं आज का राशिफल। और हम आपको बताना चाहते हैं कि यदि आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें ताकि आप रोजाना अपना भविष्यफल जान सकें। तो आइए जान लेते हैं, आज प्रतिपदा तिथि और शुक्रवार का दिन है। आज के दिन चंद्रमा कुंभ राशि में रहेगा। वहीं सूर्य उदय का समय सुबह 5:54 होगा और सूर्यास्त शाम 6:56 पर होगा। आइए जानते हैं आज का टिप ऑफ द डे। आज के दिन आपको सफ़ेद रंग की वस्तुओं का दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से आपको अत्यंत लाभ प्राप्त होगा। ये उपाय सभी 12 राशियों के व्यक्ति कर सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं सभी 12 राशियों का राशिफल। पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के लिए आज का कल्याणकारी उपाय है ओम अंग अंगारकाय नमः। रुका हुआ पैसा मिल सकता है। पराक्रम आज आपका बढ़ेगा। घर बाहर पूछ परख रहेगी। नौकरी में अधिकारी प्रसन्न रहेंगे आपसे। व्यापार मनोकूल लाभ देगा। उत्साह व प्रसन्नता में आज वृद्धि होगी। व्यवसायिक यात्रा आज आपके लिए सफल रहेगी। कमजोरी आज महसूस होगी। आज के दिन विवाद न करें। मित्र व संबंधित आज आपको मिलेंगे। मनोरंजन के मौके भी प्राप्त होंगे आज। और जल्दबाजी आज बिल्कुल न करें। दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए कल्याणकारी उपाय है आज आज आप जपें ओम शुम शुक्राय नमः। आज इस मंत्र का जाप करें। आपके जितने भी परेशानियां वह जल्दी ही सुधरने लगेंगी। आज का भविष्य जान लेते हैं। अब आपका योजना फलीभूत होगी। ऐश्वर्य के साधन आपको प्राप्त होंगे। घर बाहर पूछ परख रहेगी। आय में वृद्धि होगी। घर बाहर सभी ओर से सहयोग प्राप्त होगा। पारिवारिक चिंता रहेगी। ईर्ष्यालु व्यक्तियों से सावधान रहें। व्यवसाय मनोकूल रहेगा। व्यस्तता के चलते स्वास्थ्य आज थोड़ा सा खराब हो सकता है। थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा आपको। अगली राशि है मिथुन राशि। आपके लिए जो आज का कल्याणकारी उपाय है वह है ओम बुम बुद्धाय नमः। इस मंत्र का आप जाप करें। आपकी सभी परेशानियां दूर होंगी। आइए जानते हैं आपका भविष्य। किसी भी तरह के विवाद से आज दूर रहें। शारीरिक कष्ट से बाधा संभव है। तीर्थ दर्शन की याद योजना बन सकती है तो आज आप तीर्थ यात्रा पर जरूर जाएं। साधु संत का आशीर्वाद आज मिल सकता है आपको। आय बनी रहेगी। काम में गति आएगी। व्यवसाय आज आपका लाभ देने वाला है। नौकरी में आज उच्च अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे। कार्य की प्रशंसा भी करेंगे। घर बाहर प्रसन्नता का माहौल रहेगा। आज प्रमाद न करें। अगली राशि है कर्क राशि। आपके लिए जो आज का कल्याणकारी उपाय है आपको इस मंत्र का जाप करना है ओम शोम शोमाय नमः। इस मंत्र का जाप करने से आपके सभी बिगड़े कार्य बनेंगे। आइए अब जानते हैं आपका भविष्य। पार्टनरों से संबंध आज तनावपूर्ण हो सकते हैं। थोड़ा संभल कर रहें। ग्रह क्लेश हो सकता है। कुसंगति से बचें। क्रोध व उत्तेजना पर आज नियंत्रण करें। वाहन व मशीनरी के प्रयोग में विशेष सावधानी की आवश्यकता है। कार्य की गति धीमी रहेगी। मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आय में आज निश्चितता रहेगी। आज नकारात्मकता भी थोड़ी बनी रहेगी। सिंह राशि वालों के लिए आइए जानते हैं आज का उपाय। आज आप जपें ओम ह्रीम सूर्याय नमः। ये सिंह राशि को आज मंत्र जपना है। यदि आप इस मंत्र को जपते हैं तो आपके जितने बिगड़े कार्य हैं वे सभी आसानी से बन जाएंगे। आइए अब जानते हैं आपका भविष्य। आज वैवाहिक प्रस्ताव आपको कहीं से मिल सकता है। लाभ के अवसर भी आज आपके हाथ आएंगे। राजकीय बाधा आज दूर होगी। नौकरी में मात हदों का सहयोग प्राप्त होगा। कार्य पूर्ण होंगे। कारोबार से भी लाभ होगा। आवश्यक वस्तु गुम हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें। चोट व दुर्घटना से आज हानि संभव है। थोड़ा संभल कर आए। भ्रम की स्थिति बन सकती है। आज समय अनुकूल है। थोड़ा सा बस प्रयास करने की जरूरत है। अगली राशि है कन्या राशि। आज के लिए जो कल्याणकारी आपका उपाय है वह है ओम बुम बुद्धाय नमः। आप इस मंत्र का जाप जरूर करें। आपके सभी बिगड़े कार्य बनेंगे। आज का भविष्य आपका कैसा रहेगा। सुख के साधन आज आप जुटाएंगे। संपत्ति के कार्य आज आपको बड़े लाभ देने वाले हैं। उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। साक्षात्कार आदि में सफलता प्राप्त होगी। घर बाहर सभी ओर प्रसन्नता रहेगी और आपको सफलता मिलेगी। उत्साह व प्रसन्नता में भी आज वृद्धि होगी। शत्रुता में वृद्धि हो सकती है। आज जोखिम न उठाएं।
व्यवसाय आज अनुकूल रहेगा, आज जल्दबाजी न करें। तो ये था कन्या राशि का भविष्यफल। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि के लिए आज का कल्याणकारी उपाय है ओम शुम शुक्राय नमः। आप इस मंत्र का जरूर जप करें। आइए जानते हैं आपका भविष्य। आज पार्टी व पिकनिक का कार्यक्रम बन सकता है। स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद प्राप्त होगा। प्रेम प्रसंग में अनुकूलता रहेगी। बौद्धिक कार्य स्थल रहेंगे। समय पर काम करने होने से प्रसन्नता तथा संतुष्टि रहेगी। जोखिम व जमानत के कार्य टालें। मेहनत अधिक होगी आज। थकान व कमजोरी भी आज थोड़ी सी आपको महसूस हो सकती है। तो ये था आज तुला राशि वालों का भविष्यफल। अगली राशि है वृश्चिक राशि। आइए जानते हैं आज के लिए आपके उपाय। आज आप इस मंत्र का जप करें ओम चंद्र चंद्र मशेह नमः। इस मंत्र का जप करने से आपके जितने भी बिगड़े कार्य वे आसानी से बनते चले जाएंगे। आइए अब जानते हैं आज का भविष्य। आज वाणी पर नियंत्रण रखें। जल्दबाजी से काम में विघ्न आ सकता है। कानूनी समस्या हो सकती है। आज कहीं से बुरी खबर मिल सकती है जिससे आपको थोड़ा सी खिन्नता होगी। किसी व्यक्ति के व्यवहार से दिल को चोट भी पहुंच सकती है। नकारात्मकता भी बनी रहेगी। काम में आज मन नहीं लगेगा। दूसरों के उकसावे में आज बिल्कुल ना आए, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। व्यवसाय और व्यापार आज ठीक ठाक चलेगा। आय में निश्चितता रहेगी। वरिष्ठ व्यक्ति का आज आपको सहयोग मिल सकता है। तो ये था वृश्चिक राशि वालों का भविष्यफल। आइए जानते हैं धनु राशि का भविष्य। आज आपके लिए कौन सा मंत्र है। आज आप ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। आज आप बृहस्पति मंत्र का जप करें। आज के लिए आपका उपाय। आपका भविष्य कैसा है आज। जल्दबाजी आज बिल्कुल ना करें। दौड़ धूप रहेगी। थोड़ी सी थकान भी महसूस होगी। मेहनत आज आपकी रंग लाएगी। घर बाहर पूछ परख रहेगी। आय में वृद्धि होगी। नौकरी में आज थोड़ी सी अनुकूलता रहेगी। निवेश शुभ रहेगा। आय के नए स्रोत प्राप्त होंगे। बड़ा काम करने का मन बनेगा। विरोध हो सकता है और पार्टनरों का आज आपको सहयोग भी मिलेगा। तो ये था आज धनु राशि का भविष्यफल। आइए जानते हैं मकर राशि का भविष्यफल। आज के लिए आपका जो उपाय है, आज आपको ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करना है। आपके सभी बिगड़े कार्य आसानी से शनिदेव बना देंगे। आइए जानते हैं आपका भविष्य। आज घर में अतिथियों का आगमन कहीं से हो सकता है। अच्छे समाचार प्राप्त हो सकते हैं जिससे आपको प्रसन्नता रहेगी। फालतू खर्च थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। आज क्रोध न करें। व्यवसाय ठीक चलेगा। जोखिम उठाने का साहस कर पाएंगे। निवेश आज आपके लिए शुभ रहेगा। चोट व दुर्घटना से हानि संभव है। थकान व कमजोरी महसूस होगी। आज थोड़ी चिंता रहेगी। मित्रों का साथ भी आज आपको मिलेगा जिससे आपका दिन बेहतर बन जाएगा। तो ये था मकर राशि का भविष्यफल। आइए अब जानते हैं कुंभ राशि का भविष्यफल। आज कुंभ राशि के लिए जो मंत्र है आपके लिए मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। आपको भी शनि देव के मंत्र का जप करना है। आपका भविष्य कैसा रहेगा आज। व्यवसायिक यात्रा मनोनुकूल रहेगी और आपको ये लाभ भी देगी। भेंट व उपहार की प्राप्ति आज कहीं से हो सकती है। आज धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आज जोखिम न उठाएं। किसी बड़े कार्य के होने से प्रसन्नता मन में बनी रहेगी। काम में मन लगेगा। जीवन सुख में व्यतीत होगा। दूसरों की बातों में आज ना आए। नुकसान हो सकता है। आज आपको भय रहेगा। प्रतिद्वंदिता में वृद्धि होगी। तो ये था कुंभ राशि वाले का भविष्यफल। आइए जानते हैं अगली और आखिरी राशि है मीन राशि। आज आपके लिए क्या उपाय है। आपके लिए जो कल्याणकारी उपाय है आपको इस मंत्र का जप करना है ओम शोम शोमाय नमः। आप इस मंत्र का यदि जप करते हैं तो आपके सभी बिगड़े कार्य आसानी से बनते हैं। आइए जानते हैं आज का भविष्य। अर्थव्यवस्था आज बिगड़ सकती है। कुसंगति से आज आपको बचना होगा, नहीं तो फंस सकते हैं। व्यय में आज वृद्धि हो जाएगी। आज आपको कहीं से कर्ज भी लेना पड़ सकता है। आज थोड़ा सा स्वास्थ्य भी खराब दिख रहा है। काम में आज मन नहीं लगेगा। चिंता बनी रहेगी। कीमती वस्तु गुम हो सकती है। व्यवसाय ठीक चलेगा और आय में निश्चितता रहेगी। मित्रों का सहयोग भी मिलेगा और आज बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। तो ये था मीन राशि का भविष्यफल। आज हमने जाना सभी 12 राशियों का राशिफल। यदि आपको आज का राशिफल पसंद आया हो तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें ताकि आप रोजाना इसी प्रकार से अपना भविष्यफल जान सकें। और हमारे साथ बने रहने के लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं।